एक खूबसूरत शाम बिताने के लिए अगर आपके पास एक तीर्थ स्थल हो तो क्या कहना। जी हाँ, रीवा शहर के पास एक नहीं दो तीर्थ स्थल मौजूद जहाँ धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण में वो अपनी शाम बिता सकते हैं। जहाँ एक यानी रानी तालाब पहले से मौजूद था, वहीं दूसरा बनकर तैयार हो गया हनुमान नगरी यानी चिरहुला में। देश में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले चिरहुला मंदिर के बगल में बने तालाब का जीर्णोद्धार कर उसे ऐसा रूप दिया गया है जिसके बारे में सोचना या कल्पना भी शायद किसी ने न की होगी। अब मंदिर में परिवार सहित दर्शन करिए, तालाब परिसर में पूरे परिवार सहित पिकनिक मनाइए, बोटिंग करिए, यानी वह सब कुछ जो किसी ने नहीं सोचा था। यह मंदिर अब साफ सफाई में भी देश के चुनिंदा मंदिरों में शामिल हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर अब मंदिर से निकले फूलों और नारियलों से खाद बनाई जाएगी, यानी साफ सफाई, पिकनिक, आस्था, भक्ति, सब कुछ चिरौला में, जिसका उद्घाटन किया बुधवार की शाम उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। ये मशीन जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो चल रहा है अभियान, उसके तहत ये मशीन लगाई गई है। और ये मशीन में जितना भी अपना फूल निकलता है और जितना भी नारियल निकलता है, जो अभी तक फेंक दिया जाता था, तो भक्तों का आदर सत्कार करते हुए, उनके भावनाओं का सत्कार करते हुए ये मशीन लगाई गई है, जिसमें कि अपना जितना भी फूल, पन्नी, ग्लास, मेटल, ये अलग करके जो फूल, ध्रुवा, नारियल इसमें डाला जाएगा। और 10 दिन की प्रक्रिया, दो पाउडर डाले जाएंगे, खाद बनने वाला पाउडर और दुर्गंध दूर करने वाला पाउडर, और 10 दिन के अंतराल में ये पूरा का पूरा केवल 30% रह जाएगा, और जो 30% बचेगा वो शुद्ध जैविक खाद के रूप में पर्यावरण में इस्तेमाल किया जाएगा। नगर निगम बारे अधिकारी जी, निवेदन है कि आप उपस्थित साधु संतों का पूजन अर्चन सम्मान। चिरौला तालाब के का विकास और उसका सौंदर्यीकरण, ये आस्था का विषय था, और लंबे समय से लोगों को ये उम्मीद थी कि तालाब को भी उसी प्रकार से विकसित किया जाए जिस तरह से रानी तालाब को तो विकसित करने का काम किया है। तो आज ये काम पूरा हुआ है, सभी को इस बात की खुशी है कि हर मंगलवार, हर शनिवार को लोगों का समूह यहाँ पर उमड़ता है, और सुबह भी लोगों की ये मांग थी कि घूमने के लिए उसी प्रकार से स्थानीय विकसित हो जाए जैसे रानी तालाब है। तो मुझे खुशी है कि शासन का 1 रुपया लगाए बिना जनता के सहयोग से, जनभागीदारी से, अपने तरह का एक अनूठा प्रयास जो है आज वो सफलीभूत हुआ है। कुछ ऐसे रिवर फ्रंट भी दिखेगा, रीवा का रिवर फ्रंट भी बहुत शानदार दिखेगा। और जैसा गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने साबरमती, गुजरात की राजधानी में साबरमती को विकसित किया, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में ओमती को किया, उसी प्रकार से हमारे रीवा में बिहर नदी का विकास होगा रिवर फ्रंट की योजना के अंतर्गत।